भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों पर भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से धरना प्रदर्शन जो कि लगातार जारी है। और इस पर आपको बता दें कि ओलंपिक की तरफ से अध्यक्ष आनंदेश्वर पांडे ने कहा कि इन आरोपों के बड़ी साजिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण सिंह दबंग है इसलिए उन पर ऐसे आरोप लग रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण सिंह ने कुश्ती में देश को काफी ऊंचाई तक पहुंचाया है। ब्रजभूषण ने कुश्ती को ऊंचाई तक पहुंचाया। आनंदेश्वर की तरफ से कहा गया स्पॉन्सर करने वाली कंपनियों पर भी सवाल उठाए गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे हैं जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में यूपी ओलंपिक संघ के महासचिव हैं। सर, ये आरोप ऐसे लगे हैं, आप इस तरह के खेल में रहे हैं, शामिल रहे हैं, आयोजन कराते रहे हैं, कितनी सच्चाई लगती है? देखिए, सवाल ये है, इसमें बहुत गहरी साजिश है, जितना ये दिखाई दे रहा उतना है नहीं। इसके पीछे उन स्पॉन्सर कंपनियों के एजेंटों का हाथ है जो खिलाड़ियों का शोषण करते हैं, जो खिलाड़ियों के नाम पर CSR फंड लेते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। तो जब से मैं जानता हूँ 40 साल से ब्रजभूषण सिंह जी को, ब्रजभूषण सिंह ने जब से 15-20 साल हुआ कुश्ती का कमान संभाली, इसके पहले भी कुश्ती कराते रहे हैं, तो उन्होंने कुश्ती में अनुशासन लाना शुरू किया। पहले कुश्ती में मारपीट भी हो जाती थी, सर भी फट जाते थे एक दूसरे में अखाड़े में, आपने बहुत से सुना होगा, लेकिन उसमें उन्होंने कंट्रोल किया। तो थोड़ा वो दबंगई दिखा सकते हैं ये तो मैं मानता हूँ, वो यौन शोषण कर सकते हैं, सरासर अन्याय है। तो ब्रजभूषण सिंह ने ये किया कि जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेगा, जैसे आज की डेट में आज सिलेक्शन हो रहा है, तो आज के डेट में आप प्रूफ करिए कि आप सुपर हैं, आप सुपर हैं, आपका नाम आ जाएगा। लेकिन आप कहें कि हम 6 महीने पहले, साल भर पहले हमने ये किया, मेरा ये रिजल्ट रहा, उसके बेसिस पर आज जो ट्रायल देने वाला, अगर आप ही जाते रहेंगे तो नए लड़के उभर के कैसे आएंगे, फिर नए लड़के उभर के नहीं आएंगे तो आगे मेडल क्या मिलेगा। तो उन्होंने जो थोड़ी व्यवस्था में सुधार लाई उसी के प्रति आक्रोश है। और जहाँ तक बात है यौन शोषण की, तो ये तो मैं बात करता हूँ, ब्रजभूषण सिंह ने खुद कहा कि मैं फांसी पर लटक जाऊँगा अगर मैं भी कहता हूँ कि मैं खेल जगत से पूरा संन्यास लूँगा, जिस दिन ये साबित हो जाएगा कि ब्रजभूषण सिंह मतलब यौन शोषण के अपराधी है। तो कुश्ती संघ में मचे बवाल और विपक्ष के आरोपों पर पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। तो रेसलिंग फेडरेशन में मचा हुआ है बवाल, खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, जयंत चौधरी ने ट्वीट किया, और कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण, उन पर निशाना साधा है, सरकार पर निशाना साधा है। भाई देखिए, विपक्ष का काम निशाना साधना है, सरकार की गतिविधियां आपने देखिए, कुछ समय का इंतजार करिए। सरकार निष्पक्ष है और सरकार की खेल प्रोत्साहन नीति के कारण ही आज इतने गोल्ड मेडल खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के कारण ही आ रहे हैं, चाहे देश में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे ओलंपिक में हो, चाहे एशियन गेम में हो। सरकार खिलाड़ियों के प्रति संवेदनशील है और निश्चित रूप में अभी प्रतीक्षा के लिए भी सरकार सक्रिय है। और अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर तमाम अपडेट के साथ। अविनाश, जानकारी दीजिएगा, जिस तरीके से धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट अब है? देखिए, अगर आप बात करें तो एक बार तस्वीर आपको दिखा देना चाहते हैं कि जिस तरीके से जो खिलाड़ी हैं वो खेल मंत्रालय में खेल सचिव से मुलाकात करके वापस आ गए हैं। जो मैं सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है वो ये है कि इन्होंने अपनी तमाम सारी डिमांड को खेल सचिव के सामने रख दिया है और खेल सचिव ने साफ तौर पर कहा है कि कुश्ती फेडरेशन से उन्होंने जवाब मांगा है, जवाब आने दीजिए, अगर जरूरत पड़ी अभी 4:30 बजे करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तमाम सारे खिलाड़ी और अपनी बात को रखेंगे कि इन्होंने खेल सचिव के सामने क्या कुछ बात रखी और खेल सचिव ने उसके जवाब में क्या बात कहा। लेकिन एक और जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आपातकालीन बैठक बुला ली है, AGM यानी कि जनरल बॉडी की बैठक बुला ली है अयोध्या में। 21 से 23 तारीख के बीच में यह बैठक बुलाई जा रही है जहाँ पे तमाम सारी बातों का निर्णय लिया जाएगा कि आगे किस तरीके से कुश्ती फेडरेशन को जाना है, ब्रजभूषण शरण सिंह को क्या अध्यक्ष पद पर आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना, ये तमाम सारे मसलों को लेकर के एक बड़ी बैठक बुला ली गई है। वहीं अभी खिलाड़ी अब से तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और साफ तौर पर बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपनी सारी डिमांड को खेल सचिव के सामने रखा है और खेल सचिव ने इनको जवाब में क्या कहा है। जो हमें जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से खेल मंत्रालय ने कल ही नोटिस जारी कर दिया था और 72 घंटों के अंदर ब्रजभूषण शरण सिंह और मुख्य कोच से जवाब मांगा है कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगे हैं इस पर वो अपना जवाब दें, तो उनको अब अपना जवाब भी देना है और इसके साथ साथ इन खिलाड़ियों ने
मान रखी इसको लेकर कुछ पूर्व खिलाड़ी भी हो सकते हैं और कई अधिकारी भी हो सकते हैं जो ये देखेगी कि क्या वाकई में खिलाड़ियों के जो आरोप हैं वो सही है या फिर जिस तरीके से बृजभूषण शरद सिंह कह रहे हैं वो सही है। तो दोनों की ओर से जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं इनकी जांच की जाएगी और फिर जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ये पदक विजेता खिलाड़ी है और ओलंपिक में पदक जीते हैं देश का नाम रोशन किया और तमाम खिलाड़ी आपके आसपास वहां पर हैं, आरोप लगाए हैं, अविनाश उनसे बातचीत करने की थी। देखिए कोई खिलाड़ी इस वक्त बातचीत नहीं कर रहा है, स्पष्ट तौर पे कह दिया गया कि 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और सचिन मलिक की तरफ से, तभी सभी लोग अपनी बातचीत रखेंगे। उससे पहले कोई भी खिलाड़ी किसी भी तरीके से मीडिया से औपचारिक रूप से बातचीत नहीं कर रहा, क्योंकि जो कमेटी गई थी उसको लीड किया था बजरंग पुनिया ने, उसमें विशेष रूप से बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और सीमा पुनिया, ये वही खिलाड़ी हैं जो पहुंचे थे वहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जिस तरीके से अब ये लोग यहाँ पे वापस लौट आए हैं जंतर मंतर में, तो जंतर मंतर में लौटने के बाद 4:30 बजे के करीब कॉन्फ्रेंस करेंगे और तब अपनी सारी बात को स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने रखेंगे। तैयारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो रही है, आप एक बार फिर से तस्वीर देखते हैं कि यहाँ पे टेबल वगैरह लगाई जा रहे हैं और टेबल वगैरह लगा के बजरंग पुनिया अब से कुछ ही देर में मीडिया से रूबरू होंगे और बताएंगे कि क्या कुछ उन्होंने अपनी डिमांड रखी है और खेल सचिव का क्या कुछ जवाब आया, क्योंकि इनकी एक ही मांग है कि फेडरेशन को डिसॉल्व किया जाए और बृजभूषण शरद सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया जाए। लेकिन बृजभूषण शरद सिंह का कहना है कि ये सारा खेल जो है वो स्पॉन्सरशिप का है और उसमें कहीं ना कहीं बड़े उद्योगपति भी शामिल है और उद्योगपति के ही इशारों पे इस तरीके की साजिश हो रही है। उन्होंने भी कल अपनी ओर से विनेश फोगाट के ऊपर आरोप लगा दिए थे कि विनेश फोगाट जो है वो ओलंपिक के अंदर जो आधिकारिक तौर पर ड्रेस थी, कॉस्ट्यूम थी, उसको ना पहन के बल्कि एक ब्रांड के कॉस्ट्यूम को पहन रहे थे, जिसके बाद जो कमेटी थी ओलंपिक की उसने नोटिस भी जारी कर दिया था और पूरे भारतीय खिलाड़ी जो थे कुश्ती दल के उनके ऊपर बैन का खतरा मंडरा गया था। लेकिन सबको बचाने के और से तमाम सफाई भी दी जा रही है बृजभूषण शरद सिंह की तरफ से भी और इधर से आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो अब देखना है कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है उसमें जब खेल मंत्रालय की ओर से जांच होती है तो कौन दोषी निकल कर आता है। बिल्कुल, आरोप भी लगाए जा रहे हैं, कई सवाल भी उठ रहे हैं कुश्ती संघ की कार्यशैली पर। इन सबके बीच अब अविनाश ये तय है कि जिस तरीके से धरना प्रदर्शन जारी था, यानी कि जो खिलाड़ियों की तरफ से किया जा रहा है प्रदर्शन, वो कहीं ना कहीं अब रंग लाती नजर आ रही है। जी देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये बड़े खिलाड़ी हैं और विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है, मेडल जीता है ओलंपिक के अंदर, और वहां पे अगर बात करें तो जिस तरीके से इन लोगों ने जंतर मंतर के अंदर प्रदर्शन किया तो न सिर्फ ये देश के लिए बल्कि विश्व में भी भारत की जो एक छवि है खेलों को लेकर के वो नकारात्मक तौर पर जा रही थी। और यही कारण है कि तुरंत खेल मंत्रालय सक्रिय हुआ, खिलाड़ियों से बातचीत की, क्योंकि कल बृजभूषण शरद सिंह ने साफ तौर पर कह दिया था कि कुश्ती फेडरेशन तब जाके खिलाड़ियों से बातचीत करता जब सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे आरोप न लगाए जाते, जब सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे आरोप लगा दिए तो फेडरेशन जाके बात नहीं करेगा। यही कि खेल मंत्रालय तुरंत सक्रिय हुआ और खेल सचिव ने तुरंत रात में ही नोटिस जारी किया था बृजभूषण शरद सिंह को और मुख्य कोच को कि वो अपना जवाब दे। उसके बाद आज तुरंत उसने खिलाड़ियों को बातचीत के लिए बुलाया है। खिलाड़ियों को भी कहना है कि वो खेल मंत्रालय से या भारत सरकार से नहीं नाखुश है, उनकी नाखुशी केवल फेडरेशन से है, फेडरेशन अपनी मनमानी लगातार कर रहा है। जबकि फेडरेशन का यह कहना है कि जिस तरीके से जो नियम बदले गए हैं वो नए नियम केंद्र सरकार को बता दिए गए थे, खेल मंत्रालय को बता दिए गए थे, उनकी सहमति से बदले गए हैं और तमाम तरह बड़े खिलाड़ियों की सहमति के बाद ही बदले गए। साफ तौर पर कल बृजभूषण शरद सिंह ने यह भी कहा है कि उनसे बजरंग पुनिया एक हफ्ते पहले मिलकर गए और साफ तौर पर कहा वो सारे नियमों से संतुष्ट हैं, उनसे संतुष्ट हैं। और इसके साथ साथ विनेश फोगाट को भी उन्होंने कहा कि मैं उसकी कई बार मदद भी की है, कई बार दूसरे खिलाड़ियों की जगह पर विनेश फोगाट को मौका दिलाया है। तो ये तमाम तरह आरोप प्रत्यारोप अब लग रहे हैं, इसकी जब जांच होगी तभी स्पष्ट तौर पर निकल के सामने आ सकेगा कि आखिर आरोप लगाने वाले क्या सच हैं या फिर जो इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो सच है। ये तमाम जांच का विषय है और जांच लेकर के और क्या बातें वो सामने रखना चाहते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।